गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। करते हैं शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ, बताएं। गुड मॉर्निंग सर, अच्छे नतीजे और वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। आयशर मोटर्स क्लियरली, यू नो, अगर आप सारे के सारे रिजल्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं ऑटो सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टीवीएस के नंबर्स अच्छे आए थे, आयशर मोटर्स के नंबर्स देखें तो एबिटन पैड जो आया है सर वो 15 क्वार्टर हाई आया है। लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल दोस कंसर्न्स, बट आई थिंक इन्होंने जो नंबर्स देखें तो एबिटा 30% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, 19% ऊपर है वाई। आई थिंक ये एस्टिमेट जो भी स्ट्रीट में था 5 से 10% ऊपर है। एबिटा ऑन पर व्हीकल बेसिस सर ये एक नए हाई पे आया है जो कभी हुआ नहीं इस कंपनी में। मार्जिन्स 24% के आसपास आए हैं, स्ट्रीट में एक्सपेक्टेड था कि 22 या 23% के आसपास आएंगे। स्टॉक बहुत महंगा नहीं है सर, बट द नंबर्स वर रियली रियली गुड कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग ऑन द स्ट्रीट। बीकेटी बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज ऑनेस्टली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए सर। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत जबरदस्त आया बट मार्जिन अच्छे नहीं थे, बट जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। तो कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी गुड। तो अगर आप वॉल्यूम नंबर देखें तो 10% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर आया है, 14% ऊपर वाई एंड वाई आया है, नियरली 7% ऊपर आया जो एस्टिमेट थे। एबिटा मार्जिन जैसे मैंने आपको बोला सर वो थोड़ा सा कम आया है, 21% कंपेयर टू 22% क्वार्टर क्वार्टर और 31% वाई एंड वाई, तो वो अच्छा नहीं था। यू नो ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज में हो रहा है, बट अगर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखें सर तो उन्होंने वॉल्यूम गाइडेंस रेज कर दी है कि वो आगे जाके 320,000 से 330,000 एमटी पर एनम करेंगे। अर्लियर 275 से 285 था उनका, तो मतलब 11 से 14% वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कंपनी की। और मार्जिन्स बोल रहे हैं कि आगे जाके बाकी इंप्रूव होगा 200 से 400 बेसिस पॉइंट की तरफ, विच इज अगेन अ बेटर थिंग जो लोगों ने सोचा नहीं था। स्टॉक कुछ 18 टाइम FY24 पे ट्रेड करता है, बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। तो देखते हैं कि मार्जिन्स की तरफ ध्यान रहेगा जो पुराना था, कि मैनेजमेंट की गाइडेंस की तरफ रहेगा जो अच्छा था। जेके पेपर सर हाईएस्ट एवरली क्वार्टरली प्रॉफिट आया इस कंपनी का और सेल्स आया इस कंपनी का। पेपर कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है, पेपर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप नंबर्स देखें तो सर सेल्स 30% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, 50% ऊपर है वाई एंड वाई। एबिटा 34% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, 47% ऊपर था वाई एंड वाई। स्टॉक कुछ 9 टाइम पीटेड कर रहा है सर, कोई महंगा स्टॉक तो है ही नहीं है ये, एंड वन ऑफ द बेस्ट पेपर कंपनीज इन इंडिया। और छोटे कंपनी में हाईटेक पाइप्स आया था सर, छोटा कंपनी है 650 करोड़ मार्केट कैप का, बट आई थिंक द नंबर्स वर गुड। 20% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर एबिटा, 54% वाई एंड वाई ऊपर, मार्जिन 5.5% के आसपास रहते हैं इस कंपनी के सर। और कुछ कंपनी सर इफ आई कैन जस्ट ऐड, अच्छे नतीजे पर थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इन कंपनीज के, उसमें विनती ऑर्गेनिक्स और एलजी इक्विपमेंट आता है सर। विनती अगर आप नंबर्स देखें, एज आई सेड देयर आर फ्यू केमिकल कंपनीज जो इस बार अच्छा कर रही है, जैसे एसआरएफ के नंबर्स देखे आपने, नवीन के नंबर्स देखे, अनुपम रसायन के नंबर्स देखे, और विनती के भी नंबर्स भी आए थे जिसमें ATBS जो उसका है, क्रूड ऑयल बढ़ता है तो ATBS को बेनिफिट होता है। IBB हुआ, बिटू फिनॉल में इनका कैपेसिटी रैंप अप हुआ, इन सब का बेनिफिट इस बार मिला। तो रिकवरी अच्छी हुई है क्वार्टर क्वार्टर एबिटा की, मार्जिन 28% versus 25%। स्टॉक महंगा है और एलजी इक्विपमेंट सर जो जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था उससे भी नंबर्स अच्छे आए हैं। तो नंबर्स किसी तरीके से भी आप कर लीजिए, कट कर लीजिए तो नंबर्स बहुत अच्छे इस कंपनी के। सेल्स कुछ 750 करोड़ की है, FY22 का सेल्स 2500 करोड़ आया, मैनेजमेंट का गाइडेंस कुछ 2450 करोड़ का। एबिटा मार्जिन 15% आया है, कंसेंसस था कि 11.5% आएगा, तो बहुत शानदार नंबर्स है एलजी इक्विपमेंट के, पर स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है सर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अच्छे नतीजे। कमजोर नतीजे आपको कौन से लगे वरिंदर? टेक महिंद्रा, सेम स्टोरी विद ऑल द यू नो टेक कंपनीज, सेल्स इन लाइन थी पर मार्जिन्स वीक थे, एट्रिशन प्रेशर आ रहा है सब कंपनीज पे। सेल्स देखिए तो यू नो 5% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर गई है यूएसडी टर्म्स में इन लाइन विद एस्टिमेट्स, बट एबिट मार्जिन देखिए तो यू नो 13.2% आए हैं विच इज अ फॉल ऑफ 160 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर क्वार्टर। आई थिंक कंसेंसस एस्टिमेट 14-14.5% के आसपास था। तो यू नो सेम स्टोरी जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में हो रही है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, इट वाज एक्सपेक्टेड कि हाँ भी यू नो नंबर्स खराब आएंगे बिकॉज इनके इनके पास रशियन सब्सिडरीज हैं, तो रशियन सब्सिडरीज के कारण इसका नंबर खराब आया। अगर आप स्टैंड लोन मार्जिन देखेंगे इस कंपनी के 15.5% आए और कंसोलिडेटेड 12.5% आए, इसका मतलब है कि जो इसकी सब्सिडरीज थी उनका मार्जिन सिर्फ 6.5% रहा कंपेयर टू 19.5%। तो नंबर्स खराब थे इसके, बट यू नो वेदर इफ दिस रशियन क्राइसिस गो ऑन देन वी हैव टू वॉच आउट फॉर क्या होता है। एफले इंडिया, आई डोंट नो कि हम ये स्टॉक इतना एक्सपेंसिव क्यों है। आई थिंक एक टाइम पे एफले इंडिया का मार्जिन कुछ 30% के आसपास भी होता था। आप सोचिए अब 30% के आसपास का 18% मार्जिन रह गया। हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द स्ट्रीट वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको ज्यादा प्रेशर नहीं होगा,
बट अगर नंबर्स देखें तो ग्रोथ नहीं आ रहा है, मैं बहुत क्वार्टर से देख रहा हूँ ग्रोथ नहीं आ रहा है, बट इसका वैल्यूएशन वही कुछ 64 टाइम्स 60 टाइम्स पे रहता है डीटीएम बेसिस पे रहता है। तो इस बार अगर आप नंबर देखें तो 7% क्वार्टर क्वार्टर सेल्स नीचे था, एबिटा 13% नीचे था, मार्जिन 18.5% रह गए हैं, 24% वाईएमआई से 20% क्वार्टर क्वार्टर से। एज सेट एक टाइम पे 30% मार्जिन करता था छोटा कंपनी पिक्स ट्रांसमिशन, आई थिंक टॉप लाइन बहुत अच्छी थी बट रॉ मटेरियल के कारण इनका प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हुआ, मार्जिन हर्ट हुए, एबिटा मार्जिन 22.5% रह गया 26% से क्वार्टर क्वार्टर। इनका मेजर रॉ मटेरियल जो होता है रबड़ होता है और एयर होता है, जिसके कारण यू नो एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर में खराब आएगा, बट इनका एक बहुत बड़ा कैपेक्स है जो लाइव हो रहा है कुछ ही दिनों में। सो आई थिंक अगर स्टॉक गिरेगा तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है लेने के लिए। दीज वर द वीक रिजल्ट्स अगर मैं आपको बोलूं, टेक महिंद्रा, कार्बोरंडम, एफले और पिक्स ट्रांसमिशन। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अच्छे और